हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम देखने वाले हैं उंटाची मान। उसके पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू कीप मी मोटिवेटिंग। सो लेट्स बिगिन इट। उंटाची मान, तो ये स्टोरी है अकबर और बिरबल इन दोनों की। ये लिखी है डॉक्टर मधुसूदन इन्होंने। बादशाह अकबर एकदा मोठ्या संकटात सापडला होता। तो इसका क्या मतलब है, अकबर बादशाह जो थे इंडिया में, वो एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में एक बार आ गए थे, मुसीबत में आ गए थे। होगी कोई प्रॉब्लम, अब इतने बड़ा देश चलाना, तो उसमें उनके कोई प्रॉब्लम आ गई थी। परंतु त्यावेळी बिरबलाने आपल्या बुद्धी चातुर्याने बादशाहची सुटका केली होती। हमने बहुत सारी स्टोरीज जो है वो अकबर बिरबल की सुनी है, उसमें से कुछ रियल है कुछ नहीं भी है। तो बिरबल जो है वो अपने बुद्धि के लिए, अपने चलाकपन के लिए काफ़ी फेमस है। उन्होंने बहुत बार बादशाह की हेल्प की है। तो उसी तरह से बिरबल ने क्या किया, आपल्या बुद्धि चातुर्याने बादशाहची सुटका केली होती। सुटका केली होती मीन्स व्हाट, उनको बचाया था, छुड़ाया था। तेव्हा बादशाहाने बिरबलास आपण लवकरच त्याबद्दल जहागिरी देऊ असे मोठ्या मनाने आश्वासन दिले। तो बिरबल ने बादशाह को बड़े से प्रॉब्लम से छुड़ा दिया, तो बादशाह बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने क्या बोला तब बिरबल को कि अरे वाह, तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की, तो मैं तुम्हें इसके लिए जहागिरी दूंगा। जहागिरी देना मतलब क्या, सत्ता देना। किसी पर्टिकुलर गांव की सत्ता दे देते थे पहले के बादशाह, यानी कि उस गांव से जितना भी पैसे आएंगे या फिर अनाज आएगा, जानवर आएंगे, जितना भी रिस्पेक्ट है, इन शॉर्ट उस गांव का जो मेन इंसान है, जो समझो उस छोटे से गांव का राजा बिरबल को वो बना देने वाले थे। असे मोठ्या मनाने आश्वासन दिले, बड़ा दिल करके आश्वासन देना, यानी क्या, किसी चीज़ के लिए वचन देना या फिर शब्द देना कि बस मैं तो तुम्हें ऐसा करने वाला हूँ। इस बात पे तो बिरबल खुश हो गया होगा। परंतु शेवटी ते नुसते कोरडेच आश्वासन राहिले। कोरडेच आश्वासन मीन्स व्हाट, कि कभी कभी हमको हमारे मम्मी पापा भी बोलते, अरे तुम ना अच्छे मार्क्स स्कोर करना आते हो ना, मैं तुम्हें ये बुक दिलाऊंगा, वो टॉय दिलाऊंगा, या घुमाने ले जाऊंगा। तो ऐसी कभी कभी बातें पेरेंट्स बोलते हैं, हमें मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं बट वो प्लान्स कभी हो नहीं पाता। तो क्या हो जाता है, कोरडेच आश्वासन रह ले, कि जैसे बादशाह ने बोला और छोड़ दिया, वो रियल में नहीं हुआ। 5-6 महीने झाले तरी बादशाह काही त्या जहागिरीचे नावच काढेना मतलब क्या, वो नाम ही नहीं ले रहा था कि वो जो जहागीर उसने बिरबल को कबूल की थी मतलब यहाँ पे उसने आश्वासन दिया था कि बिरबल मैं ना तुम्हें जहागिरी दूंगा। तो 5-6 महीने बीत गए। एक्चुअली तो बादशाह की चीज़ों को इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, पर अब बादशाह को नहीं देना होगी। एवढेच नाही तर बिरबल एकदा बादशाहकडे दरबारात गेला। अब बिरबल ने तो कमाई थी, वो बिरबल ने मांगी थोड़ी ना थी, उसने बादशाह की हेल्प की और बादशाह ने खुद होके बोला था कि मैं तुम्हें किसी गांव की जहागिरी दूंगा या फिर सत्ता दूंगा। त्याला आठवण ही करून दिली। तो बिरबल को शुरू में शर्म आई होगी कि अरे अब मैं बादशाह को क्या बोलूं, पर फिर वो जैसे तैसे अपना मन बना के बादशाह के पास गया और उसने बादशाह को याद भी दिलाया कि अरे आप तो मुझे जहागीर देने वाले थे ना महाराज, आपण म्हटल्याप्रमाणे आपण मला जहागिरी देण्याची कृपा करावी। तो बिरबल ने बादशाह को रिक्वेस्ट की, क्या रिक्वेस्ट की, आपने जैसे बोला था वैसे मुझे आप जहागिरी दे दो। परंतु यावर बादशाहचे एक नाही आणि दोन नाही, मतलब किसी को जस्ट अवॉइड कर दो, इग्नोर कर दो, उसको रिप्लाई ही ना करो, उसी तरह से बादशाह ने कर दिया।
अच्छा कुछ और सोच रहे होंगे कि हाँ उतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं था, या फिर बीरबल को मैंने तब अप्रिशिएट कर दिया, एक्चुअली नहीं करना चाहिए था, ऐसा सब बादशाह को लग रहा होगा, इसलिए बादशाह जो है वो बीरबल को इग्नोर कर रहे थे। बादशाह अच्छे एक ना ही यानी दो ना ही, मतलब वो चुपचाप रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उलट टाळाटाळ करण्यासाठी बादशाहने आपली मान पूर्ण वाकडीच केली, तो जिस तरफ बिरबल था उस तरफ देखने की बजाय बादशाह दूसरी तरफ देखने लग गए, उसे पूर्ण वाकड़ी के लिए उन्होंने अपनी जो गर्दन है, मान यानी कि अपनी जो गर्दन है, अपनी जो नेक है, उसको पूरा टेढ़ा कर दिया दूसरे साइड में। समझो बिरबल लेफ्ट में खड़े थे तो बादशाह राइट में देखने लग गए कि जैसे जाओ बिरबल तुम कुछ भी बोलो, मैं तो नहीं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। कालांतराने बिरबल बादशाह फिरायला चालले असताना वाटेत बादशाहस एक उंट दिसला। कालांतराने, पहले ही 5-6 महीने बीत चुके थे वो जहांगीरी का प्रॉमिस करके, कालांतराने मतलब क्या, बहुत दिनों के बाद में बीरबल और अकबर दोनों घूमने निकल पड़े। तो घूमते घूमते उनको एक ऊंट दिख गया। त्या उंटाकडे बघत बादशाह बिरबलास म्हणाला, काय रे बिरबल, त्या उंटाची मान एवढी वाकडी का? अब जो अकबर बादशाह थे वो बिरबल का काफ़ी बार मजाक बनाते थे, उसको टीज करते थे, तो बादशाह ने बिरबल को ऐसे टीज करने के लिए बोला होगा कि अरे ऊँट की गर्दन क्यों टेढ़ी है? अब ये तो एकदम सिली क्वेश्चन हो गया ना, टेढ़ी वेढ़ी कुछ नहीं थी, जस्ट ऊँट इधर उधर देख के कुछ कर रहा होगा। त्यावर बिरबलाने अतिशय चतुराई ने उत्तर दिले। बादशाह का जैसे ऐसे क्वेश्चन आया कि ये ऊँट की गर्दन टेढ़ी क्यों है, तो बीरबल तो था ही हाजिर जवाबी, तो उसने बहुत स्मार्टली क्या आंसर दिया, आता त्या उंटाची मान का वाकड़ी, उसने क्वेश्चन रिपीट किया और ऐसे सोचने लग गया कि आता त्या उंटाची मान का वाकड़ी, या मागचे खरे कारण काय ते सांगू। तो जैसे बीरबल जो है वो बादशाह को आउट ऑफ रिस्पेक्ट फिर से क्वेश्चन कर रहा है कि आपको मैं सच में बताऊं क्या रीजन है। त्याने ही कुणाला तरी आपण करून घेतलेल्या कामाच्या मोबदल्यात जहागिरी देण्याचे आश्वासन दिले असेल, आणि जहागिरी मागणारा माणूस त्याच्या समोर उभा असेल। अब ये बादशाह को टॉन्ट हो गया, क्या टॉन्ट मारा, त्याने ही कुणाला तरी आपण करून घेतलेल्या कामाच्या मोबदल्यात, मोबदला याने क्या, जैसे हम किसी से कुछ लेते हैं तो उसे कुछ देते भी है ना, लाइक एक्सचेंज राइट। तो अब ऊँट के पास जहागिरी होगी क्या, कहीं से आई हुई नहीं, ऊँट थोड़े ना कहीं का राजा था, उसके पास कहाँ से सत्ता आएगी या जहागिरी आएगी। तो बीरबल उसको जस्ट बादशाह को टॉन्ट मार रहा है, क्या मार है बोल रहा है वो कि जो ऊँट है वो क्या कर रहा है, जिस किसी ने उसकी हेल्प की थी और ऊंट ने जिसको वचन दिया था या आश्वासन दिया था कि भाई मैं तुझे जहागीरी दूंगा, तो ऊंट ने उस वैसा कुछ नहीं किया, और उसको जिसको जहागीरी देना है वो आदमी उसके सामने आ गया होगा, तो ऊंट ने गर्दन टेढ़ी कर दी। त्याला जर जहागीरी द्यायची नसेल तर ऊंट आपली मान वाकड्याशिवाय दुसरे काय करू शकणार। अब वो फिर से ऊँट के बारे में बोल रहा है, एक्चुअली वो बादशाह के लिए बोल रहा है, पर जैसे ऊँट की आड़ में वो बादशाह को बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि जैसे बादशाह को जहांगीरी देना नहीं थी, वैसे हो सकता है ऊँट को भी ना देना हो, तो वो कर भी कह सकता है कि वो जस अपनी गर्दन टेढ़ी कर रहा है। बिरबलाचे चपखल उत्तर ऐकून बादशाह मनातून अतिशय खजील झाला। चपखल उत्तर, चपखल उत्तर मीन्स वॉट, ऐसे एक तो फुलिश क्वेश्चन पूछ लिया था बादशाह ने, और उस पे बीरबल जो है उसने ऐसा सटीक उत्तर दिया था, एकदम अप्रोप्रिएट आंसर दे दिया था। सुनते ही बादशाह को कैसे एकदम बुरा लग गया, शर्मिंदा हो गया, अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ कि देखो मैं इतना बड़ा बादशाह होके भी मैंने बीरबल के साथ कैसे किया। और क्या किया उसने, मग मात्र दरबारात गेल्यावर क्षणाचाही विलंब न लावता बादशाहने बिरबलास तात्काळ जहागिरी देऊ केली। फिर वो क्या गया हुआ, दरबार में चला गया,
वहाँ पे क्षणाचा ही विलंब न लावता, विलंब न लावता मीन्स वॉट, बिना एक सेकंड की देर किए बादशाह ने बीरबल को तुरंत जहांगीरी देव के लिए, तुरंत के तुरंत उसी समय बीरबल को इतने दिनों के बाद में जहांगीरी दे दी गई। तो इस बात से हमें क्या सीख मिलती है, अगर आप अपने ज़ुबान के स्मार्ट हो, आप अगर किसी भी बात को अच्छे से बोल सकते हो, तो आप किसी बादशाह से भी अपना रिवॉर्ड जो है वो निकाल सकते हो, और इवन बादशाह तक को आप टॉन्ट मार सकते हो, राइट। तो ये था इस स्टोरी का मॉरल। तो चलो देखते फिर अब शब्दार्थ। बुद्धि चातुर्य यानी होशियारी या चतुराई, जहांगीरी यानी सत्ता, आश्वासन देने, वचन देने, चपखल यानी चोख, योग्य, अप्रोप्रिएट, परफेक्ट, खजील होने, लाजीरवाणे होने, टू फील अशेम्ड ऑफ, क्षणाचा ही विलंब न लावणे, अजिबात वेळ न घालवणे, बिल्कुल टाइमपास किए बिना कि नहीं नहीं अब देना तो है ये स्टेप से, तात्काळ, लगेच आणि ताबडतोब, तुरंत। अब हमें करना है क्वेश्चन एंड आंसर। उंटाची मान का वाकड़ी या प्रश्नाचे बिरबलाने काय उत्तर दिए। तो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हो, ये सारे चैप्टर आपको सबसे पहले तो रीडिंग करना है, समझ के लेना है। जिस तरह से हम कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं उसको याद रखते हैं, उस तरह से आपको आंसर्स को, स्टोरी के सीक्वेंस को याद रखना चाहिए। जैसा कहा वैसा आंसर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सोच समझ के अपनी सूझबूझ से आंसर लिख सकते हैं। उत्तर है, उंटाची मान का वाकडी या प्रश्नाचे उत्तर बिरबलाने असे दिले की उंटाने कुणाला तरी आपण करून घेतलेल्या कामाच्या मोबदल्यात जहांगीरी देण्याचे आश्वासन दिले असेल आणि जहांगीरी मागणारा माणूस त्याच्यासमोर उभा असेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरबलाचे उत्तर ऐकून बादशहाने काय केले। उत्तर आहे, बिरबलाचे उत्तर ऐकून बादशहा लगबगीने दरबारात गेला आणि बिरबलाला जहांगीरी दिली। नेक्स्ट, कंसातील योग्य शब्द रिकाम्या जागी भरा। अब हमें यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं और उनको हमें यहाँ पे फिल ब्लैंक्स में फिल करना है। पहला है, बिरबलाने आपल्या बुद्धि चातुर्याने बादशहाची सुटका केली होती। अब ये जो लाइन्स है ये हूबहू जो है आपके चैप्टर में से आई है, तो आपको यहाँ पे सोच समझ के वर्ड्स लिखना पड़ेंगे। 5-6 महीने झाले तरी बादशाह काही त्या जहांगीरीचे नावच काढेना, उलट टाळाटाळ करण्यासाठी बादशाहने आपली मान पूर्ण वाकडीच केली। कालांतराने बिरबल बादशाह फिरायला चाललेले असताना वाटेत एक उंट दिसला। ये क्वेश्चन आ सकता है कि उनको क्या दिखा था, लाइक उंट, गाय, भैंस, घोड़ा, कुछ भी दिख सकता है। बिरबलाचे कसे उत्तर चपखल उत्तर ऐकून बादशाह मनातून अतिशय खजील झाला। अब ये है, पुढील वाक्प्रचारांचे अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। आश्वासन देणे, आश्वासन देणे मतलब क्या, किसी को हम शब्द देते हैं, अपने वचन देते हैं, हमी किंवा वचन देणे, लाइक गारंटी देते हैं हम, अरे हाँ हाँ मैं कल दोपहर में आ जाऊँगा, या फिर अरे डोंट वरी मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूँगा। इसे सबको कहते हैं आश्वासन देने। तो आप इसका अपने मन से भी वाक्य में उपयोग कर सकते हो। यावर्षी सगळ्यांना नोकरी मिळेल असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले। अब आपको तो पता है कि जो भी ये मंत्री लोग होते हैं वो लोगों को खुश रखने के लिए वगैरह ऐसी सब चीज़ें बोलते हैं कि इस साल सबको पानी मिलेगा, इस साल सबको नौकरी मिलेगी। तो क्या होता है उसे क्या कहते हैं, आश्वासन। नेक्स्ट है, खजील होने, खजील होने यानी शर्मिंदा किंवा लज्जित होने। चोरी उघडकीस आल्यावर लहान मुलगा खजील झाला। तो आप जो चाहे वो यहाँ पे वाक्य में जो है वो यूज़ कर सकते हो। ओके,
तो ये था हमारा आज का चैप्टर उंटाची मान। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।